हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे ब्रेक बूस्टर खराब है या अच्छा है, या ब्रेक बूस्टर का सिस्टम अच्छा है या उसमें कुछ गड़बड़ी है, ये कैसे जान लेंगे, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। कार से लेके LCV कमर्शियल गाड़ियों में आपको ब्रेक सिस्टम के ऊपर वैक्यूम बूस्टर लगा हुआ मिलेगा। इसमें क्या होता है, इंजन के ऊपर एक वैक्यूम पंप लगा हुआ रहता है। उस वैक्यूम पंप के मदद से वैक्यूम बूस्टर के चैम्बर के अंदर के हवा को खींच लेता है, यानी ब्रेक बूस्टर के अंदर जो हवा होती है वो बाहर खींचने के वजह से अंदर वैक्यूम पैदा होती है। इस बूस्टर के ऊपर एक NRV यानी नॉन रिटर्न वाल्व भी लगा हुआ होता है। कोई कोई वैक्यूम बूस्टर सिंगल डायफ्राम के होते हैं और कोई कोई डबल डायफ्राम के होते हैं। गाड़ी के ज़रूरत के अनुसार मैन्युफैक्चरर वैक्यूम बूस्टर बनाता है। डायफ्राम के बीच में एक पुशरड होता है जो ब्रेक मास्टर सिलेंडर में उसका कनेक्शन होता है। इससे क्या होता है, जब हम ब्रेक पेडल को जिस हिसाब से फोर्स लगाएंगे, जिस हिसाब से पेडल को दबाते हैं, तो ब्रेक बूस्टर के अंदर ही फंक्शन से उस फोर्स को 3 से 4 गुना बढ़ाकर मास्टर सिलेंडर को वो फोर्स देता है। वो ब्रेक बूस्टर के साइज के मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड होता है। अब ब्रेक बूस्टर सही काम कर रहा है या नहीं कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में देखते हैं। यानी बूस्टर गाड़ी पर ही लगा हुआ है, यानी बूस्टर गाड़ी पर ही कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम बूस्टर का बेसिक ऑपरेशन चेक करेंगे। जब इंजन बंद रहेगा यानी स्टॉप कंडीशन में, हमें ब्रेक पेडल को 7-8 बार दबाना है, 7-8 बार से ज़्यादा दबाना है, ताकि उसके अंदर की वैक्यूम निकल जाए। तो आप महसूस भी करेंगे कि ब्रेक पेडल दबाते वक्त हार्ड हो रहा है। ब्रेक पेडल एक बार हार्ड हो जाएगा तो ब्रेक पेडल पर लगभग 10 kg के इतना फोर्स लगाकर हम दबा के रखेंगे और इंजन को स्टार्ट करेंगे, और ध्यान से देखेंगे कि पेडल में कोई चेंजेस आ रहा है क्या। उस वक्त ऐसा होगा कि पेडल धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाएगा और एक जगह पे जाकर रुकेगा। ये हो गया बूस्टर का नॉर्मल बेसिक ऑपरेशन। इसके बाद हमें चेक करना होगा वैक्यूम लीकेज टेस्ट। अब वैक्यूम लीकेज टेस्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इंजन को स्टार्ट करके आइडलिंग में 2 मिनट के लिए छोड़ना होगा। उसके बाद इंजन को बंद कर देंगे। उसके बाद हम 2 से 3 मिनट तक इंतज़ार करके रुकेंगे। उसके बाद में पेडल को दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली बार पेडल को हल्के से दबाएंगे तो नीचे तक चले जाएगा, छोड़कर वापस दबाएंगे तो पेडल का ट्रैवल में बदलाव होगा और पेडल हार्ड होते हुए ऊपर आएगा और ट्रैवल में चेंजेस होंगे। अगर वैक्यूम पंप खराब हो या वैक्यूम पंप में कोई लाइन में लीकेज या बूस्टर पर लगा हुआ NRV वॉल लीकेज होगा, तो इस टेस्ट में हमें पेडल हमेशा हार्ड मिलेगा। पहली बार भी दबाएंगे तो तभी भी हार्ड मिलेगा। वैक्यूम सिस्टम सही है तो पेडल आपको नरम और नीचे की तरफ जाता हुआ मिलेगा पहली बार। और तीसरा एक चेक करने का तरीका है पेडल टाइटनेस, एयर टाइटनेस चेक करेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इंजन को स्टार्ट करेंगे और पेडल को दबा के रखेंगे। 2 मिनट के बाद इंजन को बंद कर देंगे, पर पेडल को दबा के ही रखना है लगभग आधा मिनट। उसके बाद देखना है कि पेडल टाइट में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं। अगर कोई बदलाव नहीं आया तो समझना सिस्टम ओके है। ये हो गया तीसरा तरीका। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। धन्यवाद।